कि शरीयत में हुक्म यह है कि चार रगें काटनी है। वो चार रगें कौन कौन सी है? एक तो ये जो सबकी नजर आ रही है मोटी सी खुराक की नाली, ये तो ना सिर्फ ये कि नजर आती है बाकायदा महसूस भी होती है, तो खुराक की नाली है, इसको मरी कहते हैं अरबी में। ये नाली जानवर की होती है ना बहुत मोटी सी, जहां से खुराक जाती है। इसके पीछे एक नाली होती है जिससे सांस लिया जाता है, सांस की नाली होती है। ये दो हो गई, दाएं और बाएं दो मोटी मोटी नालियां होती हैं, खून की नालियां जो दिल से निकल के दिमाग की तरफ जा रही होती हैं, समझ रहे हैं? इनमें बहुत प्रेशर के साथ खून दिल से कहां जाता है? दिमाग की तरफ। आप अल्लाह की रहमत देखें अपनी मखलूक पर कि जानवर को जबह करने का हुक्म है, इससे जैसे ही ये दो नालियां कटती है ना खून वाली ब्लड वाली, तो दिमाग में खून की सप्लाई बंद, जिससे दिमाग में दर्द का एहसास खत्म हो जाता है। समझ रहे बात को? डॉक्टर जो जिन्होंने रिसर्च की है ना, गोरों ने जानवर के दिमाग में आलात लगाए हैं उन्होंने, दिमाग में जिससे वो आलात महसूस करते हैं कि इस दिमाग में दर्द का एहसास कितना है। तो उन्होंने तमाम तरीके जानवर को कत्ल करने के तजर्बे करके देखे। गोली से मारने का तरीका कि जानवर के जब सर पे गोली मारी जाए तो कितनी तकलीफ होती है उसके दिमाग में, पता चला जब आले से महसूस हुआ कि बहुत तकलीफ होती है, दिमाग फड़कता है काफी देर तक। और मुख्तलिफ तरीके, बिजली के झटके, जब मुसलमानों के तरीके के मुताबिक जबह करके देखा तो रिपोर्ट जो बनी वो ये कि एक सेकेंड की भी तकलीफ नहीं होती। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसलिए कि जब भी हमें कोई दर्द होता है ना तो 3 से 4 सेकंड लगते हैं उस दर्द को महसूस करने में। भाई आपको हाथ पे अगर चोट लगे ना तो फौरन महसूस नहीं होता, 3-4 सेकंड बाद दिमाग तक पैगाम पहुंचता है और दिमाग को तकलीफ का एहसास। जब जानवर के गले पे छुरी चलती है ना, अगर छुरी तेज हो, जैसे कि हदीस में आता है छुरी भी तेज होनी चाहिए और जल्दी से जबा कर दो ताकि तकलीफ ना हो, तो अगर फौरन हाथ चलाया उस पर और जबा कर दिया तो 3 से 4 सेकंड में जब जानवर को पैगाम पहुंचता है ना जबा होने का, गर्दन कट रही है, उस वक्त उसके दिमाग में खून पहुंचने का रास्ता, बोलो भाई, बंद। और खून नहीं पहुंचेगा तो जानवर, आप देखें कहीं बैठते हैं जिस्म सुन हो जाता है, हाथ सुन हो गया तो हाथ को मारेंगे तकलीफ होती है भाई? नहीं होती। हालांकि ब्लड मौजूद है, खून मौजूद है, मगर खून का दौरान कम हो गया है, तो खून होने से जिंदगी है। जैसे ही चार रगे काट डाली तो जानवर का जो दिमाग है वो उस तरह वर्किंग नहीं करता जिस तरह पहले कर रहा है, लिहाजा उसको कटने का भी एहसास नहीं होता। और वो जो जिस्म तड़पता है ना उसका, उस तड़पने की दिमाग को तकलीफ नहीं होती। और अजीब बात यह कि शरीयत ने कहा चार रगों के बाद मजीद ना काटो। ये जो पीछे गर्दन है ना, इसमें आसाबी रगे हैं, हमारे दिमाग में पीछे की जानिब जो दिमाग का एक ऐसा हिस्सा है जिसको रिफ्लेक्ट एक्शन कहते हैं, फौरन वो लाशोरी हरकत जिसे कहते हैं। देखो आप सो रहे हो, सोते हुए कोई आपके हाथ पे इस्तरी ला के रख दे, लाशोरी तौर पर आप अपना हाथ खुद ही खींच लेंगे, हालांकि आपको पता भी नहीं चलेगा। ये जो धमाका होता है एकदम आदमी डर जाता है, हिल जाता है, हालांकि धमाके का एहसास बाद में होता है, हिल पहले चुका होता है। तो अल्लाह ने दिमाग में एक ऐसा पुर्जा लगाया हुआ है जो आपके सोचने से पहले अपना काम कर चुका होता है आपको हादसात से बचाने के लिए। भाई क्यों समझ में नहीं आ रही? बहुत आसान अंदाज से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। दिमाग में एक अल्लाह ने पुर्जा ऐसा लगाया हुआ है जो सिर्फ हादसों के वक्त काम आता है, इमरजेंसी के वक्त। वो आपसे पूछता नहीं है कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं, बल्कि लाशूरी तौर पर अभी आपको एहसास होता नहीं और आप वो काम कर चुके होते हैं। किसी के हाथ पे सिगरेट रखें, जलने का एहसास बाद में होगा, हाथ वो पहले खींच लेगा, इसलिए कि दिमाग का वो हिस्सा पहले ऑर्डर दे चुका होगा कि भाई, क्योंकि उसको पता है कि सिगरेट लगने के बाद सोचने का टाइम अगर दिया जाए ना तो उस वक्त सिगरेट आर पार हो चुकी होगी। तो वो जो दिमाग का वो वाला हिस्सा है ना जो ऑर्डर करता है जिस्म को, जब रगे कट गई और दिल फड़क रहा है और खून निकल रहा है तो दिमाग का वो वाला हिस्सा वर्किंग में रहता है और वो पीछे जो आसाबी रगे हैं उनके जरिए जिस्म को ऑर्डर करता है कि भाई कुछ उल्टा पुल्टा काम हो गया है, जिससे जिस्म खूब अच्छी तरह तड़पता है। जानवर बहुत टांगे चलाता है, उसका फायदा यह होता है कि उसका जिस्म का जितना खून है
وہ سارا اس کی حرکت کی وجہ سے باہر نکل جاتا ہے. بھائی کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی اتنی آسان بات؟ اب اگر جانور کی گردن پوری کاٹ دی جائے تو تکلیف تو نہیں ہوگی، ایک حکمت تو حاصل ہوگی مگر دوسری حکمت فوت ہو جائے گی، کہ اس کا گوشت خون سے پاک نہیں ہوگا. شریعت نے ایسا حکم دیا کہ تکلیف بھی کم سے کم ہو، یا تو بالکل ہی نہ ہو یا کم سے کم ہو، اور اس کا گوشت بھی ناپاک اور گندے خون سے صاف ستھرا ہو جائے. سمجھ رہے بات کو؟ اس لیے یورپ میں بھی آج کل اسی پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ جانور کو ذبح کر کے ہی کھانا چاہیے، وہ بھی اسی طرف آ رہے ہیں کہ اس سے گوشت بیماریوں سے پاک